हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कंपनी के पीछे का व्यू है वो कैसा है। और यहाँ पे मेरी कंपनी के पीछे पूरा गैरेज एरिया है और यहाँ पे फ्लाइट आ रही है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कंपनी। और मेरे पास एयरपोर्ट ही है, मेरे बगल में मेरे रूम के पास में एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे जो फ्लाइट आ रही है आप लोग देख सकते हो और इसका नज़ारा भी देख सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा नज़ारा है और थोड़ा ऊँचे पे है ये फ्लाइट, तो मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूँ, देख सकते हो। अब चलिए चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ मेरी कंपनी के पीछे के एरिया वो कैसा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी कंपनी के पीछे के एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ बनने के लिए आती हैं और पूरा गैरेज एरिया है और मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं ज़्यादातर वीडियो अपनी यहीं पे शूटिंग करता हूँ। और यहाँ पे इसका रीज़न यह है कि मैं यहाँ पे वीडियो से शूटिंग करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है और कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा फील लगता है, यानी कि थोड़ा अजीब नहीं लगता है। अगर किसी बंदे के सामने वीडियो शूटिंग करेंगे तो उसको प्रॉब्लम लगेगी और देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं, ये क्या पागल बोल रहा है कैमरा वगैरह में, तो उसको समझने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा डेली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मेरे पेड़ है, आप लोग देख सकते हो यह कितना अच्छा पेड़ है और इसमें क्या है मालूम नहीं, इसके अंदर क्या चीज़ का पेड़ है ये मुझे मालूम नहीं होता। जैसे अगर हमारे इंडिया वगैरह में होता है तो हम लोग बता सकते हैं ये आम का पेड़ है और कोई भी चीज़ का, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, तो ये क्या चीज़ का पेड़ है मुझे पता नहीं लगता है। तो शायद ये कुवैत में ही पाया जाएगा और हमारे इंडिया में नहीं मिलेगा ये पेड़, तो मैंने सोचा है कि इस पेड़ को शायद इस बीए को लेकर इंडिया में जाएँ। ये जो बीया होता है देख सकते हो, ये छोटा छोटा बीया है, तो सेम जैसे हमारे इंडिया में बौरा होता है, बौरा आम का वो छोटा बच्चा होता है ना, आम बच्चा बोल सकते हैं, जैसे आसानी से समझ सको, ये छोटा छोटा होता है ना, हमारे यूपी में बोलते हैं, जो कि हमारे एरिया में बौरा छोटा, तो उसको बोलते हैं बौरा, इसी तरह ये है छोटा। तो अगर हम इसके बीए को ले जाएँ, यानी कि इसके छोटे पॉइंटों को ले जाएँ, हो सकता है हमारे इंडिया में इसका पेड़ लगाया जा सके। और हमारे इंडिया में शायद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी चेंज जो है और हमारे इंडिया की मिट्टी चेंज जो है, तो आसानी से नहीं हो सकता है। तो बस इसको ट्राई करेंगे एक बार, मैं जब कभी इंडिया जाऊँगा तो मैं इसको लेकर जाऊँगा, तो चेक करेंगे कि यह इसका, मगर पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे जब से कुवैत में हूँ यहाँ 6 साल से, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, गर्मी में आके बैठता हूँ। तो पिछले साल यहाँ पे जब लॉकडाउन था तो मैं यहाँ पे आके बैठता था, तो पूरा फुल लॉकडाउन था, लेकिन मैं यहाँ पे बैठता था कि थोड़ा मुझे अच्छा फील लगता था, थोड़ा मुझे एनर्जी मिलती थी कि थोड़ा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिलती थी और यहाँ पे थोड़ा छाया था क्योंकि ठंडी हवाएं चलती थी यहाँ पे, और मार्च अप्रैल के महीने में, तो मैं यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता था। मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे बैठता था, वो लोग देख अंदर देख सकते हो, अंदर देख सकते हो आप लोग, मैं वहाँ पर बैठता था कुर्सी लगा के, कम से कम 1-2 घंटा बैठता था। मैं थोड़ा कुछ पढ़ाई वगैरह करता था, पढ़ाई वगैरह यानी जैसे कि मैं पेपर पर पढ़ता था और मोबाइल देखता था, बस इसी तरह रहता था और मैं इसी तरह अपना टाइम पास करता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि टाइम पास करने से अच्छा है यूट्यूब पे आके टाइम पास करो, टाइम पास यानी सेंस बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे आके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए यूट्यूब से, मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।